नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषास क्रिएशंस। वास्तु की इस वीडियो सीरीज में आज का जो वीडियो है वो है बेडरूम का वास्तु। हम 24 घंटे में से 7 से 8 घंटे बेडरूम में ही बिताते हैं, मीन्स सोने में ही बिताते हैं, तो डेफिनेटली हमारे जो बेडरूम का वास्तु वो बिल्कुल ही ठीक होना चाहिए, तभी हमें साउंड स्लीप आएगी। और अगर हमें साउंड स्लीप आएगी तो हमारी मेंटल हेल्थ प्लस फिजिकल हेल्थ सारी ही चीज़ें अच्छी रहेगी। तो मैं आज बगैर कोई भूमिका के आपको डायरेक्ट यही बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि किस डायरेक्शन में हमारा बेडरूम होना चाहिए, बच्चों के लिए कौन सा डायरेक्शन सही होगा, घर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कौन सा बेडरूम का डायरेक्शन सही ही होगा। लेट्स स्टार्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मीन्स उत्तर पूर्व दिशा में अगर बेडरूम है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, वास्तु सम्मत नहीं होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मेडिटेशन की, योग की, ध्यान की, पूजा पाठ की डायरेक्शन है, वहाँ पे जल तत्व भी है। तो अगर उस दिशा में बेडरूम होगा तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। इस दिशा में जो लोग भी सोते हैं वो इन जनरल मानसिक अवसाद या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कुछ न कुछ मानसिक समस्याएं उनके साथ बनी ही रहती है। साथ ही पति पत्नी के बीच में वैवाहिक संबंध इतने अच्छे नहीं होते हैं, स्पेशली सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर इस दिशा में बेडरूम बनाते हैं तो। अगर घर का मुखिया इस दिशा में सोता है तो उसके मान सम्मान में, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में भी कमी होती है, तो ये दिशा बिल्कुल भी बेडरूम के लिए उपयुक्त नहीं मानी गई है। अगर बेडरूम ईस्ट या पूर्व दिशा में है तब भी यह स्थिति व्यापार या आर्थिक दृष्टि से अच्छी नहीं मानी गई है। लेकिन इसी दिशा में अगर घर के बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, या तो उनका बेडरूम बनाया जाए या छोटे बच्चों का बेडरूम बनाया जाए, तो उनकी पढ़ाई की दृष्टि से भी ये वाली दिशा अच्छी मानी जाएगी। तो घर का जो मुखिया है, घर का मुखिया मीन्स घर का एक ऐसा मेन आदमी जिसकी घर में सारी बातें सुनी जाती है और जिसकी घर में चलती है, तो उसका बेडरूम इस दिशा में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों का या बच्चों का बेडरूम आप इस दिशा में ज़रूर बना सकते हैं। साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व दिशा, जैसे कि ये दिशा आग्नेय कोण होती है और इस दिशा में किचन का होना सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगर इस दिशा में हमने बेडरूम बनाया है तो वास्तु की दृष्टि से एक गंभीर दोष माना जाएगा। अगर इस दिशा में बेडरूम बनाया जाता है तो घर के सदस्यों के बीच में बेवजह ही झगड़े होते रहते हैं, गलत फहमियाँ पैदा होती है, पति पत्नी के बीच में वैवाहिक संबंध ठीक नहीं होते हैं और घर के जो बच्चे हैं वो कई व्यसनों का शिकार भी हो सकते हैं। इस दिशा में बेडरूम होने से आर्थिक समस्याएं भी अधिक होती है, फिजूल खर्च या अननेसेसरी एक्सपेंडिचर स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज में ज़्यादा होते हैं, तो ये दिशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है बेडरूम के लिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये बेस्ट डायरेक्शन मानी गई है, घर का जो भी मुखिया है या जिसे हम कहते हैं मास्टर बेडरूम के लिए ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन सबसे अच्छी मानी जाती है। इस दिशा में मास्टर बेडरूम है तो घर का जो भी मुखिया है उसकी समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, उसकी बात सुनी व मानी जाएगी, फैमिली में जो भी इन जनरल हारमोनी है वो भी अच्छी रहेगी, साथ ही कार्य या व्यापार उसमें भी गतिशीलता बनी रहेगी, मीन्स हर क्षेत्र में उसे सफलता मिलेगी। वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट मीन्स पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में भी बेडरूम का होना अच्छा नहीं माना गया है, वास्तु में इस दिशा में भी अगर बेडरूम है तो वो एक दोष माना जाता है। अगर इस दिशा में कोई बेडरूम है और किसी नए शादीशुदा जोड़े को इस दिशा में अगर कोई कमरा दे दिया जाए तो इन जनरल ये देखा जाता है कि बहुत ही जल्दी उन दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं और कई बार सेपरेशन या डिवोर्स की भी नौबत आ जाती है, तो हार्मोनी की दृष्टि से या पारिवारिक या वैवाहिक संबंधों के लिए ये दिशा बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं मानी गई है। इस दिशा में सोने वाले लोग अधिकतर चारित्रिक दृष्टि से कमजोर होते हैं, कई लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो जाते हैं, तो जहाँ तक कोशिश ये करना चाहिए कि इस दिशा में जो भी कमरा है उसे अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाए, सोने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाए। नॉर्थ डायरेक्शन या उत्तर दिशा, इस दिशा में भी घर के मुखिया या मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए, लेकिन इस दिशा में बच्चों का कमरा बनाया जा सकता है, वो उनकी पूरी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके सारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि ये
जल तत्व की दिशा है। तो जैसे पानी बहता रहता है, फ्लो में होता है, उसी तरह से उनके जीवन में भी गतिशीलता आएगी। तो ये दिशा बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो आप इस दिशा में बच्चों का कमरा ही बनाइए। अगर इस दिशा में मास्टर बेडरूम बनाया जाता है तो इन जनरल धन संबंधी या आर्थिक समस्याएं लगातार बनी ही रहती है, और घर के जो भी पुरुष सदस्य हैं या जो भी कामकाजी लोग हैं वो घर पर भी काम से संबंधित या व्यापार से संबंधित बातें ही करते रहते हैं, इसलिए घर का माहौल भी बहुत अधिक अच्छा नहीं रहता है। तो इस दिशा में जहाँ तक हो सके मास्टर बेडरूम ना बनाए, उसे अवॉइड ही करें। अधिकांश घरों में दो या तीन बेडरूम होते हैं, तो ये जो भी दो या तीन बेडरूम आपके घर में है तो उनका साइज़ कभी भी लिविंग रूम या दूसरे जो कमरे हैं, ओपन एरिया है या किचन है, उनसे अधिक बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह भी एक प्रकार का वास्तु दोष होता है। घर के मेन गेट या मुख्य दरवाजे के सामने कभी भी बेडरूम नहीं होना चाहिए, और स्पेशली मास्टर बेडरूम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये एक बहुत ही गंभीर वास्तु दोष माना जाएगा। बेडरूम कभी भी टॉयलेट या पूजा रूम के सामने नहीं होना चाहिए। अगर पूजा रूम के सामने बेडरूम पड़ता है तो आप पूजा रूम का दरवाज़ा सिर्फ पूजा के वक्त ही खोलिए, अदरवाइज पूरे दिन उसका दरवाज़ा बंद रखिए। जब भी पूजा रूम के सामने बेडरूम होता है तो देखा जाता है कि घर के जो भी जवान बच्चे, जो विवाह योग्य बच्चे होते हैं, उनके विवाह संबंधों में बहुत दिक्कतें आती है, बहुत ही मुश्किल से उनके कहीं पे भी विवाह संबंध सेट हो पाते हैं। अधिकांश घरों में टीवी बेडरूम में होते हैं, और खाना अधिकांश लोग टीवी देखते हुए अपने बेडरूम में बेड पर ही बैठकर खाते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर वास्तु दोष को जन्म देता है। जिस बेड पर हम सोते हैं, अगर हम उसी पर खाना खाते हैं तो घर के सभी सदस्यों को, स्पेशली जो मेल मेंबर्स हैं, उनमें कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, स्पेशली हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या हार्ट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो इस तरह के, जब भी हम बेडरूम में बेड पर बैठकर खाना खाते हैं तो हो सकती है। तो जहाँ तक हो सके सिर्फ सोने के कमरे को और बेड को सिर्फ सोने के लिए ही इस्तेमाल करिए, उस पर बैठकर खाना मत खाइए। बेडरूम कभी भी अंडरग्राउंड या बेसमेंट में मत बनाइए। कई बड़े घरों में या बंगलोस में प्रोविज़न रखा जाता है कि एक बेडरूम अंडरग्राउंड भी बना दिया जाता है, लेकिन ऐसे घरों में रहने वाले लोग अधिकांश समय कोर्ट कचहरी या कई गैरकानूनी कामों में लिप्त हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर वास्तु दोष माना जाएगा अगर हमने बेसमेंट में बेडरूम बनाया है तो। अधिकांश घरों में बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल भी होती है, और ड्रेसिंग टेबल में एक बहुत बड़ा मिरर होता है, लेकिन वो मिरर ऐसी जगह होना चाहिए कि आप उसमें सोते हुए ना दिखाई दे। अगर इस तरह का आपका ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है या मिरर जस्ट आप सोते हुए उसमें दिखाई देते हैं या जस्ट पलंग के या बेड के सामने ही पड़ रहा है, तो आप उसको जरा सा शिफ्ट कर दीजिए, इस तरह से रखिए या ऐसी जगह पे रखिए कि आप उसमें सोते हुए ना दिखाई दे। अगर आप उसमें सोते हुए दिखाई देते हैं तो ऐसे लोगों को बहुत ही मानसिक अशांति या डिप्रेशन या अवसाद का शिकार होते हुए देखा जा सकता है। ये एक तरह का वास्तु दोष है। सोते समय दिशा का ध्यान भी अवश्य ही रखिए। हमेशा सिर दक्षिण दिशा की तरफ ही रखिए व पैर उत्तर की तरफ रखिए, मीन्स साउथ और नॉर्थ, साउथ की तरफ सिर, नॉर्थ की तरफ आपके पैर होने चाहिए। इसका उलट कभी भी मत करिए, क्योंकि दक्षिण दिशा काल की दिशा मानी गई है, उस तरफ अपने पैर कभी भी मत रखिए। और इसके पीछे एक बहुत ही साइंटिफिक व्यू है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है साउथ और नॉर्थ, हम उसी के अकॉर्डिंग अगर सोते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी गहरी नींद आती है, मीन साउंड स्लीप आती है। और अगर हमें नींद अच्छी आई तो हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। बेडरूम कभी भी सीढ़ियों के नीचे मत बनाइए, साथ ही टॉयलेट या पूजा रूम के भी ऊपर या नीचे मत बनाइए, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में इसमें बहुत ही गंभीर वास्तु दोष माना जाएगा। बेडरूम में एक्वेरियम मत रखिए, साथ ही देवी देवताओं के या भगवान के फोटो मत रखिए, कोई हैवी इक्विपमेंट भी मत रखिए। जितना हो सके आप एयरी और स्पेसियस उसको बना के रखिए, मीन्स उसमें ओपन स्पेस ज़्यादा हो आपके बेडरूम में। बेडरूम में बेड के अलावा बहुत ज़्यादा सिटिंग अरेंजमेंट मत रखिए, मीन्स बहुत हैवी फर्नीचर या बहुत बड़ा सोफ़ा या इस तरह की चीज़ें मत रखिए। एक या दो चेयर आप रख सकते हैं, जितना आप उसको एरी और स्पेसियस मीन्स ओपन स्पेस रखेंगे उतना ही एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा होगा।
आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मेरे आगे जो आने वाली वीडियो है वो भी वास्तु से रिलेटेड वीडियो होंगे। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।